अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज इतने दिनों बाद आप लोग मुझे नजर आ रहे हो, किधर गायब थे? हाँ जी, मुझे पता है जी, आप कुर्बानी का गोश्त खाने में बिजी थे। नजर नहीं आ रहे, तुम उन लोगों को नजर आ रही हो। हाँ जी, आप लोग भी मुझे नजर आ ही रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को देख नहीं सकती, ये मेरे ऊपर माथे पे दो आंखें लगी हुई हैं जिनसे मैं आपको देखती हूँ। अच्छा, बहरहाल जी, मुझे लगता है कि ईद का गोश्त ज्यादा खा लिया आपने, अस्पतालों में पहुंचे हुए, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। क्योंकि हमारे घर में से एक अदद बंदा जो के जिसका नाम फायदा मजीद है, उसका पेट खराब हो गया। मैंने उसे बोला भी था, बकवास और सरासर झूठ झूठ झूठ। मैंने इसको बोला था कि फायजल जरा हद में रह के गोश्त खाना, पर इसने मेरी एक नहीं मानी, दवा दब जो लब्बी क्या खाई गई, और ना इसका पेट हो गया खराब। इसकी वजह से दो चार दिन ड्रिपे श्रिपे लगती नहीं है, इस वजह से मैं भी नहीं ब्लॉग कर सकी। बहरहाल आप लोग बताएं कि आप कुर्बानी का गोश्त खा के ठीक ठाक है ना? एक रात बंदा तो जहनी मरीज बन गया है कुर्बानी का गोश्त खा के। मैं नहीं खाती है गोश्त। अरे गोश्त, मैं यहाँ से बाहर निकलू ना दोपहर टाइम तो बाहर, एक मिनट मेरा हाथ थक गया है। मैं यहाँ से बाहर निकलू ना छत पे जाने के लिए तो 2 से 3 प्रेशर, हर घर में 2 से 3 दफा प्रेशर लगता है। जब भी ऊपर जाओ किचन में प्रेशर की आवाज आ रही होती है जी, पता नहीं है लोगों ने गोश्त खा के कितने जाना। पर मेरी बात सुने, हाँ जी, अगर खत्म नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। चले अभी अंदर चलते हैं, मैं और आपको आज का प्लान बताती हूँ। हेलो मिस्टर डूबी डू। हाँ जी, व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा, ये हर टाइम टिकटॉक की वीडियोज बनाती रहती है, फायदा तेनों काम नहीं और कोई? यार अपने अपने शौक की बात होती है, मुझे शौक है, मैं इसलिए बना लेती हूँ। रिंग लाइट नु मेको की कीता जा देखो। अच्छा जी चले, बहरहाल मैं आज का आपको प्लान बता दूं। उमेह भी बाहर किसी के साथ प्रैंक करती रहती है, मेरा इससे दिमाग खराब कर दिया हुआ प्रैंक कर करके, तो मैंने सोचा कि आज उमेह भी बाहर के साथ प्रैंक कर लिया जाए, और वो भी हॉरर प्रैंक। उमेह भी बाहर किया था तब मैं उमेह भी बाहर के साथ ही मिली हुई थी। अभी वो फिलहाल तो सो रही है क्योंकि सुबह के 12:30 बजे का टाइम है, उठती है सो जाती है, उठती है सो जाती है। हाँ फायदा बताओ क्या कर रहे हो? प्रैंक तो करना है क्या करना है ये भी तो बताओ। उसने डराना है जिस तरह भूत बन के उसने हम सबको डराया था, मुझे तो खैर नहीं डराया था। उसने मुंह चीटा किया था, हम मुंह काला करेंगे, सही है? सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि मुंह काला करने के लिए हमें चीज चाहिए क्या। और ये देखे यार, तवा मार ले मुंह करके नहीं, आज कल लोकां दे प्रेशर दे नीचे वाले ओ हिस्सा काला ही हुंदा, ओ ले उसना मार ले। यार ये देखे मेहंदी की सूरत है, और कुछ और कितनी बसुरी लग रही है, दिखाओ तुम भी। ये देखे फायदा क्या, वैसे मैं मूसा को मेरा नाखून लग गया, मेरे अब्बे ने मेरे सारे नाखून कटवा दिए। हां मैंने भी सारे काट लिए। अच्छा जी चलिए, हम भूल ले हम कुछ चीज वगैरह, उसके बाद मैं दोबारा आपसे मिलती हूं। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, और एक मिनट गाना ना लगाना। और इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूँ, हर बंदा मुझे इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे मैसेज करके कहता है आप ही आप डेली व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करती? यार मैं किधर से लेके आया करूँ व्लॉग इतनी गर्मी में? मैं घर बैठे बंदा प्रैंक ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। या तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो कि आपको किस तरह का व्लॉग चाहिए, तो मैं अपनी ये बना सकती हूँ। चले जी बहरहाल, सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो, बाय बाय। मोहम्मद बाबा किधर हैं आपके? मोहम्मद बाबा किधर हैं? बाबा को बाय कर दो, मेरी तरफ देख के करो। बाबा इधर है, वीडियो कॉल आई है आपके बाबा की, उसको ये है कि बाबा बाहर आ गए हैं इसलिए वो बंद करो, बाय कर दो बाबा को। मोहम्मद बाय करना, मैं बोल निकाल के देती हूँ ऊपर, देखो पहले इधर देख के बाय कर दो बाबा को। बाय बाय, चले गए हैं बाबा। चला जी, उसने मेरी बात मानी थी तो इसलिए इसकी मुझे भी उसकी माननी चाहिए। ये रही इसकी बॉल, ये ले मेरा बिट्ठा, वो मुझे दिखे जाए, बाय। ये देखें जी, फायदा ने मुझे कोई इस तरह की ये चीज़ दी है, इसने बोला कि ये ब्लैक मास्क है, बट ये किधर से लग रहा है मुझे तो, ये 2 नंबर चीज़ लग रही है। अच्छा जी, इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, जिससे जैसे वाइट मास्क ब्लैक मास्क होता है उस तरह से इस मास्क को मुँह पर लगाते हैं ना, स्किन ख़राब होगी ना मेकअप करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं और देन देखते हैं आगे क्या करना है। चलें जी, अपना सारा मुंह शू
देखिए नी रज के काला कर लिया है सिर्फ होंठ रह गए हैं, ये थोड़ी आंखें रह गई हैं, इनको भी छुपाते हैं, इसका ड्राई होने का वेट करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर लेपा लोपी शुरू करेंगे। चले जी ये फुली ड्राई हो गया, अब देखते हैं आगे से क्या करने में। फायदों को अपने पास बुला लिया, आय हाय हाय चिक्की डिक्का मरिया रेडी, आय हाय हाय अभी करते हैं इसके ऊपर फिर उम्र भी बाका, आय हाय हाय करवाते हैं। मेरे आई शेडो पैलेट में ना वाइट कलर नहीं है, तो फिर मैंने ना ये डर्माकॉस का ना ये फेशियल का ना ये जो मास्क होता है ना वाइट कलर का ये उठा लिया। मैंने बोला ये अपनी आईज़ पे लगा लेती हूँ, और इस मास्क की स्मेल इतनी गंदी है, मेरे दिमाग का ऐसे चढ़ रही है जैसे सनसिल्क की होती है। इसको ओपन करो, इसी को लगा के आंखों पे ना ड्राई कर लेते हैं, सही है? हाँ ये अच्छा है। हाँ ना ना शक्ल खराब होगी आंखों पे। ये पकड़ो, ये लो तुम कमेंट्री पास करो इधर, चलो कमेंट्री पास करो। मैंने तुम्हें बुलाएगा, वैसे मेरा तो पता है क्या दिल है इस टाइम कि तुम ना इस टाइम रात के लिए भू बन के ना तुम सबको आज डराने वाली हो। वैसे मलाइका, वैसे मलाइका अगर कोई सच में डर गया तो, क्योंकि रात का टाइम भी तो क्या टाइम हो गया, 11-12 बजे का पिज्जा पुज्जा पार्टी मैंने कर लिया, वो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखिएगा और देखिए कितने गलत बात है। मलाइका को इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे क्यों नहीं कमेंट करते? यहाँ से मुक्का मार के ना आपकी ये जो है ना नोज की हड्डी तोड़ दूंगी और साथ में मुँह भी तोड़ दूंगी। मुझे भी जल्दी से सब्सक्राइब करें, मजे मजे के मुझे भी कमेंट किया करें, और कैमरे से भेजना वार्ड तेरे सब्सक्राइबर ने डर जाना और नहीं डर दी मेरे को, वो ना दी मेरी अच्छी दोस्त थी यार। मैं ईद गुजरी है, कितना मजे का रूप चढ़ गया, और ये जो हाथ काले कर दिए तुमने मेरे टन सारी मेहंदी लगा के। वैसे ना मेहंदी लगे तो अच्छी लगती है, जब उतारने की बारी मेरी ये चमड़ियाँ भी चिटियाँ हो गई हैं, और जब उतरती है तो मुझे इतनी बोंगी लगती है, हाथ सारे खुरदरे खुरदरे से अजीब से हो जाते हैं, बहुत बुरी लगती है। अब मैं क्या भाषण दूँ इन सबको, तो चिट्टी चादर ला के आओगे। हाँ ये जब ये जब तक लगाती है मैं बता दूँ तारू, ये देख इसको क्या लगाया तुमने, हो तो चलें जी, जब तक ये अपने मुंह पर ये वाइट वाइट पेंट मारती है तब तक मैं किसी को कॉल करके ना वाइट चादर मंगवाती हूँ या कोई वाइट चीज़ या ब्लैक से चीज़ मंगवाती हूँ, ताकि ऊपर ले और हबीबा का प्रोग्राम तो आज बढ़ जाएगा, मारो मज़ा आने वाला है। वाला वाइट, अच्छा चलो मैं वाइट मंगवा लेती हूँ, बहुत मज़ा। रेड कलर के करो या इनको भी वाइट करो? नहीं रेड कलर, हाँ रेड कलर की कर लो। हाँ चलो अब रेडी हो जाओ, फिर इनको दिखाते हैं कितना मज़ा आएगा। मेरे बाल देखो कितने सी, और ये देखिए मलाइका ने बस इस्त्री लगा के ना चला दिया ये। चलो जी ये देखिए अपने मुंह को मैंने कुछ इस तरह लुक दिया, अस्तग फिरुल्ला। अच्छा आप लोग मुझे बताएं मुझे इसको रेड करना चाहिए, वहाँ रेड कर दूँ कि ना करूँ? रेड कर दो, पर मुझे लग रहा है ये ऐसे ठीक लग रहा है, बताओ लिपस्टिक रेड कर दूँ? करो दस ना यार, हाँ ना जो जवाब दे, अबे तेन मैं अच्छी लग रही है रेड करा ना ना करा, ठीक है मैंने तो सोचा था कि इसको रेड कर लेते हैं, पर नहीं दफा करो यार, ऐसे ही अच्छी लग रही हूँ, मेरी आंखों पर इधर सड़न पा रही है पता नहीं क्यों। सबसे पहले यहाँ पे मोहम्मद को लेके आए हैं, सबसे पहले मैं उसको ड्रा के देखती हूँ, मुझे डरता है कि नहीं डरता। डर रहा है नहीं डर रहा मोहम्मद, इसको वहाँ इसको बताओ मैं कौन मोहम्मद को देखो कौन बाजी है नहीं डर गया बाजी हाँ जी ना कर बाजी है डर गया उसको कह रहा है मुझे बाहर ले जाओ, नहीं मोहम्मद है ये देख, खाला ये दे। चलो जी मोहम्मद तो मुझसे डर गया, अब चलते हैं बाकी लगा के देखते हैं, डरते हैं कि बराई चलिश। आपने कभी भूत को डांस करते देखा है? नहीं देखा तो आज आप मुझे देख लें। आपने कभी पंगी वो देखा है क्या? भूत नहीं देख लो, पंगी कुत्ता होता है भूत नहीं होता। तेरा बेड़ा तर जे मलाइका, तुमने साथ मुझे भी डराया है। बेटा किसका है वो? हमारा। ना बाजी है बाजी इस रूम में, उम्र की कसर ही है तो जाके
बस जी अपना प्रैंक शुरू करते हैं फिर। हाँ जी कैसी लग रही है, बदो बदी बदो बदी। आपने कभी इस तरह का नाचने वाला वो देखा है जिन? बदो बदी बदो बदी। चलो आज हम उस कमरे में आ गए जिधर उम्र भी बस हुई है। मैं इसको दो दफा ढोंगी, एक दफा उस पर्दे के पीछे और एक दफा जब ये छलांग मार के नीचे उतरती है तब डन। मैं छू चला जा जा किधर छुपी हुई हो उठती नहीं। डर गई मुझे लगता है मैं मरदा ख्वाब देख लिया तुमने। तुम इसको बंद करो। क्या हुआ है तेरी तो सांसें भी ऊपर नीचे, तुम्हारी तो सांसें भी ऊपर नीचे हो गई हैं सारी। क्या हुआ है रोना शुरू कर दिया उसने। कौन से बदले ले रहे क्यों? मजा आया चमक चलो। यू आर माय चमक ऑल ओडे इधर से बहुत जोर से मारती। ओए मलाइका, हे मलाइका, ओ क्या हुआ है? दो भाई तो मैंने कर रहा हूं दो भाई। ओ वाह क्या है ये तो बताओ। जान तू प्रैंक करते करते पता नहीं इसको कौन सी बिल्ली लड़ गई है। कहती मैंने प्रैंक करना आदत है वैसे प्रैंक करना उनको और मार मुझे बीच में रहेंगे। चलो जाके मैं पता बिच्छी बिच्छी चले अब मैं जाके पता करती हूँ। चले अब मैं जाके पता करती हूँ इन्हें हुआ क्या है। चल 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 एक ना बैड न्यूज है हबीबा की और मलाइका की होगी लड़ाई। उसने इसके सर में ज्यादा जोर से मार दी बेचारे इतना रोई है और आप अपने मुंह साफ कर रही है। कौन कहता है इस तरह की प्रैंक किया करो। क्या चले अभी चेहरा वगैरह साफ कर ले फिर इसका कोई दिमाग सेट करते हैं। आपको कोई मार्म नहीं है आप हर टाइम मम्मी की जूती पहन के देखते रहते हो हैं? बताओ ना जरा।